इस पंडाल के नीचे कांग्रेस का हक मांगो अभियान के तहत एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर किसानों की नब्ज टटोलने आए हुए हैं। राजबब्बर ने इस प्रोग्राम के दौरान मंच से कोई भी भाषणबाजी नहीं की, बल्कि वह किसानों के बीच पंडाल में पहुंच गए और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश में लगे रहे। उन्होंने कहा, किसानों का कर्जा माफ होना जरूरी है, नहीं तो यह किसान ऐसे ही आत्महत्या करता रहेगा। और मुस्कुराहट बनी रहे, इसलिए सच की तरफ देखो। कर्जा माफ हो गया तो हमीरपुर का किसान अपने आप को कुएं में गिराएगा नहीं, अपने फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ेगा, आत्महत्या नहीं करेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों से अपनी आवाज बुलंद करते हुए अपना हक मंगवाने की बात कही। ईश्वर आपको हिम्मत दे। उनका कहना है, देश के प्रधानमंत्री को क्यूबा के जंगल में लगी आग के लिए ट्वीट करने का समय मिल जाता है और क्यूबा के लोगों के जान माल के नुकसान में दुख प्रकट करने का समय है, लेकिन यहां बुंदेलखंड का किसान कर्ज से परेशान होकर फांसी लगा रहा है, उसके लिए उनके पास समय नहीं है। क्यूबा के जंगल में आग लगती है तो उनको दुख होता है और वो ट्वीट करते हैं कि क्यूबा के जंगल में लोगों जो मरे हैं, मैं उनके प्रति आग लगने से जो हताश हुए हैं, मैं उनके प्रति दुख प्रतिक्रिया करता हूं। अरे ये गरीब किसान है, इसके पसीने में बदबू आती है, तुम्हें कौन सी सुनने को मिल रही थी, एक बार लिख देते तो ये किसान पूरे देश का कहता कि मेरे लिए भी उनको दुख। हमीरपुर से अभिषेक कुमार, न्यूज 75.in।